हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, इन्वायरमेंट रिलेटेड ये आपका टॉपिक है कि भारत ने जो कमिटमेंट की थी कार्बन सिंक बनाने की, शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसी को देखते हैं कि क्या कमिटमेंट की थी और किस तरह से हमारी स्कीम्स जो हैं वो वर्कआउट की हैं। ये हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा यूपीएससी सीएससी का पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो अब वो आपको 625 पर मंथ ओनली पे मिल जाएगा, जहाँ पे 100% सिलेबस कवर किया गया है। डेली करंट अफेयर अपडेट्स भी आपको मिलेंगी और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी द्वारा ये कोर्स जो है यूपीएससी का वो बनाया गया है। अब देखिए, एग्ज़ाम में इसका क्या रेलेवेंस है। मेंस पेपर 3 कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल्स पे ये जो स्कीम्स हमारी, ये जो प्रोग्राम्स हैं, नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, GIM दैट इज़ योर ग्रीन इंडिया मिशन, ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो। अब देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। INDC यानी इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी इंडिया की जो खुद की एक कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बारे में सोचा था कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स का। कैसे बनाएंगे? एडिशनल फॉरेस्ट या ट्री कवर हम इंक्रीज करेंगे 2030 तक, लेकिन वैसा हमको होते हुए नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम अब बात करें इस वर्ड की कि कार्बन सिंक का क्या मतलब है। देखिए, जैसे फॉरेस्ट हैं हमारे पास, ओशन है, या जैसा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है, रिमूव कर सकता है एटमॉस्फेयर से। कैसे रिमूव करेगा? वहाँ से एब्जॉर्ब करके, जैसे फॉरेस्ट ओशन नेचुरल इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और एटमॉस्फेयर से उसको कम करेगा। तो ओशंस, फॉरेस्ट, ये हमारे क्या हैं? कार्बन सिंक्स हैं। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। तो इसके लिए जो इंडिया का कमिटमेंट था 2030 तक, वो था 2.5 टू 3 बिलियन टन्स, वो हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जनरली अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर क्या कर रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उतना ज़्यादा आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और नेचुरल सिंक्स हमारे पास क्या क्या हैं? ट्रीज़ कम करने में हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने ग्रोइंग सीजन्स में, और एब्जॉर्प्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ओशंस के द्वारा। कैसे? फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। और उसके बाद जो हमारे लैंड पे प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। और कार्बन सोर्सेज तो आपको पता ही हैं, जैसे हमारे कंबस्शन जो होती है फॉसिल फ्यूल से, यानी कोल, नेचुरल गैस, ऑयल से, या ह्यूमंस एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, या फिर एनिमल रेस्पिरेशन जो फार्म लैंड से हो रही है। तो इसलिए हमको कार्बन सिंक्स की बहुत ज़रूरत है। अब हम एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स की अगर बात करें कि एफॉरेस्ट्रेशन के क्या हाल है इंडिया में, तो अगर करंट रेट की बात करें एफॉरेस्ट्रेशन के, तो 35 मिलियन टन्स पर ईयर हम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है, इतने पेड़ पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन ये जो 35 मिलियन टन्स है, ये बहुत ही कम वैल्यू है, इससे हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसी रेट से चलते रहे, तो जो हमने टारगेट प्लेज किया है 2030 तक पूरा करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखिए, बहुत तरह के एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स भी आए, जैसे इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे आगे। ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, आपका नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम हो गया, ये भी अंडर फंडेड हैं, यानी जितना फंड इनको मिलना चाहिए उतना फंड नहीं मिल पाता। और जितना एरिया हमने सोचा था हम अपने एफॉरेस्ट्रेशन हो गया आपका पेड़ पौधे लगाना, एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंदर जितना एरिया हम लेके आएंगे उतना हम नहीं ला पाए हैं। देखिए, अगर हम बात करें 2013 और 14 की, तो 80,583 हेक्टेयर्स जो लैंड है वो हमने एफॉरेस्ट्रेशन के अंदर लाया था, लेकिन यही लैंड 2015 और 16 में कितना आ पाया आपका? 35,986 हेक्टेयर, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था। इसमें भी हमको गिरावट ही देखने को मिली है। और लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसने भी यही पाया है रीसेंट स्टडीज़ में, कि इन प्रोग्राम्स में हमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखी है।
तो इस तरीके से हमारे पास अभी हमको क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उनको सबसे पहले तो एक स्टडी जो है वो कंडक्ट करवानी चाहिए कि वो इम्पैक्ट देखें कि जो हम ये प्रोग्राम्स लेके आए हैं, आपका नैप का प्रोग्राम हो गया, नैप इज़ योर नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, GIM इज़ योर ग्रीन इंडिया मिशन, क्या ये क्वालिटी इम्प्रूव कर पाए हैं? जो हमारे फॉरेस्ट ऑलरेडी काफ़ी हद तक तबाह हो चुके हैं, डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, क्या हम उनको इम्प्रूव कर पाए हैं? और हमें एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है वो स्टडी करना चाहिए, और फिर हमें इस तरह की पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए कि किस तरीके से हम अपना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम एफॉरेस्ट्रेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें जो लैंड का डिग्रेडेशन है उसको रोकना पड़ेगा, और इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो हमारे फॉरेस्ट की क्वालिटीज़ हैं हम उनको इम्प्रूव कर सकें। स्पेशली जो किन कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, हमारे जो ओपन फॉरेस्ट आते हैं या फिर जो हमारी श्रब्स आती हैं। अब जिन प्रोग्राम्स की मैं बात कर रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, ये भी बहुत रेलेवेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहले आ गया आपका GIM, दैट इज़ योर ग्रीन इंडिया मिशन। देखिए, इंडिया का एक इंडिया एक्शन प्लान आया था जिसमें हमने 8 तरह के डिफरेंट मिशंस जो हैं वो लाए थे, तो उसी में से एक था आपका ग्रीन इंडिया मिशन। ये स्पेशली इसीलिए लाया गया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, हम इसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, फेब्रवरी 2014 में, और इसका यही एम था कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्टोर करेंगे, और जो फॉरेस्ट कवर हमारा खत्म होता जा रहा है और जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे काफी तरीके से अडेप्ट करके, और उसके बाद मिटिगेशन यानी कंजर्वेशन के, मिटिगेटिंग मेजर्स के थ्रू। देखिए, अभी एक सीरीज है इन्वायरमेंट की, 16 वीडियोस उसमें मैंने बनाई हैं, जहाँ पे हमने कंजर्वेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, मिटिगेशन ये सब डिस्कस किया है, राइट? तो ग्रीन इंडिया मिशन का यही था कि हम किस तरीके से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। इस मिशन का काफ़ी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्वियसली हमको इंक्रीज करना है फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर। कितना लेके जाना है, 5 मिलियन हेक्टेयर्स तक, ये आपके GIM के अंदर की हम बात कर रहे हैं, और ये हमने 10 साल तक अचीव करने का टारगेट जो है इस मिशन के अंदर वो रखा था। ये जो मिशन है एक होलिस्टिक व्यू जो है वो प्रपोज करता है कि किस तरीके से हमने पूरे एरिया की ग्रीनिंग करनी है, उसको ग्रीन बनाना है, यानी ट्रीज प्लांट करने हैं, और ऑब्वियसली इसमें कार्बन सिंक्स को भी हमने इंक्लूड किया गया था। कार्बन सिंक्स तभी हो पाएंगे जब हम एफॉरेस्ट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, और इनफैक्ट इसमें जितनी तरह की आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज आती हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, वाटर हो गया, बायोमास हो गया, इसके कंजर्वेशन की भी हमने बात की थी GIM के अंदर। और इसकी खास बात GIM प्रोग्राम की ये थी कि यहाँ पे लाइवलीहुड यानी लोग किस तरीके से फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट से कमा भी सकते हैं, अपना लाइवलीहुड भी चला सकते हैं, साथ साथ फॉरेस्ट को सेफ भी रख सकते हैं डिग्रेड ना किए बिना, ये भी इस मिशन के अंदर हमने सोचा था। जहाँ जहाँ ये मिशन इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पे हमने लाइवलीहुड्स के बारे में भी सोचा था, अलोंग विद कि हमको डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकना है और एफॉरेस्ट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है। तो ये था हमारा प्रोग्राम ग्रीन इंडिया मिशन। इसके बाद एक और प्रोग्राम आया था हमारा जिसका नाम है नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, नैप इसको बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, और 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एफॉरेस्ट्रेशन की, यानी आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। इसका एक मकसद तो आपका ट्री प्लांटेशन था, और दूसरा था इको रिस्टोरेशन, यानी इको रिस्टोर करने का मतलब है जिसको हम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं उसको ठीक करना। तो यहाँ पे डिग्रेडेड फॉरेस्ट की बात हो रही है, जो भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं हमारी कंट्री के जहाँ पे फॉरेस्ट को काफी नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करने की बात नैप के अंदर रखी गई थी, स्कीम का एक ये फीचर था। अब ये जो स्कीम है ये बहुत ही एक डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम है। डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम का मतलब है कि ये स्टेट लेवल से शुरू होती है, इसका मैकेनिज्म जो है, देखिए इसमें आपका स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व है स्टेट लेवल पे, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी फॉरेस्ट डिवीजन लेवल पे इन्वॉल्व है, और उसके बाद आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज हैं जो कि विलेज लेवल पे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विलेज लेवल से एफॉरेस्ट्रेशन को शुरू करने की बात की, और फिर आपको एक एक स्टेप हायर जाना है कि जैसे आपने डिवीजन लेवल पे जाना है फिर स्टेट लेवल पे जाना है। तो काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड किस्म का ये जो स्कीम है, ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें बात की कि किस तरह से जो कार्बन सिंक का एक कमिटमेंट था इंडिया उसको पूरा नहीं कर पाया है। दो हमने दो बहुत ही अच्छी स्कीम्स यहाँ पे GIM और आपकी नैप इसके अंदर लेके आई,
इनके बारे में, स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया, और ये भी बताया कि जो स्टडीज रिसेंटली हुई हैं उसमें यही पाया गया कि ये स्कीम्स भी अंडर फंडेड हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से नहीं हुआ, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो टारगेट है 2030 तक का, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. राइट, यही था हमारा आज का डिस्कशन. अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट